चलो लक्ष्मी, अरे आ जाओ, इसे अपने ही घर समझो, घबरा मत। हाँ? कब से जानती हो मेरी बेटी को? जी यही कुछ 5-6 महीने हो गए। अच्छा, 6 महीने पहले? मतलब 6 महीने से मेरा बेटा रोज तुम्हें मिलता है? नहीं, वो और मुझे ही नहीं बताया उसने। नहीं, रोज नहीं, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में। लो आ गया, अभी लेती हूँ उसकी खबर। नहीं नहीं माँ जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, वरना पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं उनसे बिना पूछे क्यों आ गई। ये घर मेरा है, पूछना मुझसे है, और अब मुझे उससे कुछ पूछना है। तू चुपचाप बैठ, मैं उसे देखती हूँ। नहीं माँ जी प्लीज, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैं शाम को टेबल लैंड पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं आऊंगी। मैं 7 जन्म तक तुम्हारा इंतजार करूंगा वहां। अरे इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन तेरे जैसे तीखी पहली बार देखी। क्या तीखी? क्या नाम है तुम्हारा? शांति। 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 वाह, क्या कमाल का नाम रखा है चुन के माँ बाप ने, शांति, जो इस देवी के चेहरे और जुबान से शहद की तरह टपक रही है। हंस क्या रहे हो दांत निकाल कर? मुझे अपने भाइयों से। अगर मेरे लिए कोई लड़का पैदा हुआ होगा तो जरूर एक ना एक दिन मुझे जिंदगी में मिलेगा। रिलैक्स। आई एम रिलैक्स, लेकिन ऐसा होनहार और गुणवान लड़का इस धरती पर तो मिलना मुश्किल है बानो भी। मुझे लगता है इसके लिए ऐसा लड़का आसमान से उतारना पड़ेगा। कोई है? हाय, जब से उसे देखा है रातों की नींद उड़ गई है, हर समय बस उसी की याद सताती है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, गुंडे तो इसी के भेजे हुए थे। क्या था? लेकिन अगर उसने मुझे जान देने से रोका नहीं तो मेरा फोटो तो भरी जवानी में दीवार पर लटक जाएगा। ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं होगा। प्रभात, ना मैं फैसला करके आई हूँ, या तो अपनी मांग में सिंदूर भर के जाऊंगी या फिर मेरी चिता यहीं जलेगी।